हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और व्यापम के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन ये जो आपको देख पा रहे हैं, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता, ये जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। और 22/9/2023 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट इसकी है 14/10/2023। अगर किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो जाता है तो त्रुटि सुधार के लिए भी ऑनलाइन आवेदन में आप सुधार सकते हैं 15/10/2023 से 17/10/2023 तक। और इसकी जो परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालय में होगी। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर सीजी व्यापम टाइप करके इसको ओपन करनी है। और जैसे ही इसको गो पर क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होकर आपके सामने आएगा और व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका होम पेज है सीजी व्यापम का। इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करनी है जो रेड कलर पर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही, सबसे टॉप में ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये सारा अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको सारा चीज़ रीड करना चाहिए। इसका सिलेबस क्या है, इसका निर्देश क्या है ना, और इसके लिए और बहुत जरूरी चीज़ें दी गई हैं। तो हम यहाँ 9th नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला सेक्शन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको दो चीज़ें हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर लिया है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेनी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और या जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, सेकंड मिडिल नेम और लास्ट नेम डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। आगे बढ़ाने पर आपको आपका जो जरूरी डिटेल्स वो डालना है, आपको एड्रेस डालनी है, आपके मदर फादर्स नेम डालना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सारी चीज़ डालने के बाद आपका जो प्रोफाइल है उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोबारा आपको इसी पेज पर आना है और यहाँ पर लॉगिन करनी है फ्रेंड्स, इस पेज पर। ठीक है, इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ डाल लिया है और मैं लॉगिन पर करता हूँ। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है यहाँ पर लिंक योर आधार थ्रू बायोमेट्रिक, तो इसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम नेम है ना। अभी 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिव हैं और जिसके यहाँ पर दिख लास्ट डेट भी दी गई है इसका, 14 अक्टूबर है ना। और फ्रेंड्स, ये लास्ट डेट एक्सपायर हो चुका है ना, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी हो, हम तो अभी इस पर क्लिक करने वाले हैं और इस पर हम आगे भरेंगे। अगर आप एडवर्टीजमेंट पर जाना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले सेक्शन जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर है ना, सहायक अभियंता और कनिष्ठ सहायक अभियंता के पर जो वैकेंसी आई है उस पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं। इस सेक्शन पर मुझे क्लिक करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पढ़ ले। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पर पूछा गया है, आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? यस, डेफिनेटली हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यस पर क्लिक करना है। अगर नहीं है, बाहर से हैं, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ दिया गया, इसको आपको बड़े ध्यान से इसको भरना है। फर्स्ट नंबर पूछा है फ्रेंड्स, सहायक अभियंता के पद पर के लिए है ना, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इसमें क्या रखी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें दी गई है। क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पूर्ण कर लिए हैं? तो कर लिए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे अगर आपने नहीं किया है तो। सेकेंड चीज़ पूछ रहा है, अब इस पर टिक कर देना है आपको, कनिष्ठ अभियंता के लिए शैक्षणिक योग्यता जो रही पूछी गई है, मांगी गई है, वो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक क्या आपने पूर्ण कर लिया है? तो हाँ, हमने कर लिया, यस करेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उस पर टिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और ब्रांच पर आपको क्लिक कर लेना है, इलेक्ट्रिकल है आपका, सिविल है, जो भी है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हमने भर दिया, आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ कम्प्लीटली इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था, सारा इसमें भरा हुआ जानकारी यहाँ पर आ जाएगा। और सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सा सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं? नहीं है, ठीक है। श्रेणी आप किस श्रेणी संबंधित हैं? डू यू बिलोंग टू एनी क्लास? तो नो फ्रेंड्स, नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ खुल कर आएगा, उस पर आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्विस मैंने गोरा के लिए है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे इसको। और यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इस पर टिक करना है और कैप्चा को यहाँ पर सबमिट डालकर सबमिट करनी है। तो फ्रेंड्स, हमने कैप्चा डालकर यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ कन्फर्म टू सबमिट आ रहा है। अगर आपको लगता है कहीं पर एडिट करना है तो आप एडिट सेक्शन पर क्लिक करके दोबारा एडिट कर सकते हैं। मैं कन्फर्म सबमिट बटन पर क्लिक करने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन द डैशबोर्ड अंडर सक्सेसफुल एप्लीकेशन। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अपना फॉर्म को और यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करने के लिए आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो लिखा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर जो हमने भरा था और जूनियर इंजीनियर के लिए, और उसका एप्लीकेशन हमने भर लिया है सक्सेसफुली। और यहाँ पर प्रिंट करके यहाँ सेक्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट आउट करवा करके रख लेंगे। तो इसी तरह से आप मोबाइल से ही आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं और इसके लिए कोई फीस नहीं है अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। तो फ्रेंड्स ये एक यहाँ पर जानकारी डाउनलोड होकर आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ है और इसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा करके रख लेंगे। तो इस तरह से सक्सेसफुली आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।